ये देखिए अपने सारे दाल वड़े बन के तैयार हैं, साथ में फ्राइड चिली है, बस एंजॉय करते हैं। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। अब अपने सारे दाल वड़े बन के तैयार हो गए हैं, जिसको मैंने ये तली हुई मिर्ची, हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। ये मोटी मिर्च है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो आपने बढ़िया से गर्मा गर्म दाल वड़े बारिश के मौसम में सुबह सुबह नाश्ते में बस एंजॉय करें। आज हम बनाएंगे उड़द और मूंग दाल की कोफ्ता करी, या दाल वाली करी, या रिकवच जो भी बोलो। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल और उड़द दाल दोनों बराबर बराबर लिया है। दाल जिसको जैसी पसंद हो उस हिसाब से कर सकता है। तो ये मैंने दाल को 7-8 घंटे भिगो के रखी थी और ये फूल गई है, और इसको अभी अपने मिक्सर में दरदरा क्रश करेंगे। और इसकी कढ़ी बनाने के लिए इसमें जाएंगे टमाटर, तो कुछ साबुत रहेंगे, कुछ की पेस्ट बनाऊंगी। फिर ये है हरी मिर्च, ये है अदरक, और ये कुछ पकोड़े के साथ खाने के लिए मोटी मोटी मिर्च है, काफ़ी मोटी मिर्च है, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। और ये है हरी धनिया। तो अब अपने इसको पहले क्रश करेंगे। ये दाल क्रश करेंगे उसके लिए उसमें भी पहले थोड़ा सा अदरक डालेंगे और ये हरी मिर्च डालेंगे। तो ये सारी दाल में जाएगा इतना, तो ये अपनी गई हरी मिर्च और ये अपनी गई दाल, और इसको दरदरा क्रश करेंगे। अब इसको पीसते हैं। ये देखिए मैंने सारी दाल को क्रश कर लिया है, और अब अपने इसमें मसाले करेंगे। अब इसके अपने बनाएंगे दाल वड़े उड़द मूंग की क्रश की हुई दाल की, जिसके अंदर अपने अदरक और हरी मिर्च को पहले ही पेस्ट कर क्रश कर लिया था, और उसके अंदर ये जाएगी हरी धनिया, और ये है हल्दी, मिर्ची और धनिया, ये सब हाफ टी स्पून है, और हाफ टी स्पून हींग है। मसाला बहुत ही कम डालना है, क्योंकि इसमें अपने को मसाले का टेस्ट नहीं लाना ज़्यादा। नमक स्वादानुसार, हाँ, और इसमें पिंच सोडा भी मैंने डाला है, जैसे थोड़ा सॉफ्ट बनता है। इसको मिक्स करके अपने ये मसाला डाल के मिक्स करके अच्छे से फेंटते हैं इसको। अब ये बैटर में अपने हल्दी, मिर्ची, धनिया, हींग और सोडा ये डाल देंगे। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, नमक जब भी खाएं कम ही खाएं बस। और इसमें डालेंगे थोड़ी फ्रेश धनिया पत्ती, और अब ये बैटर को खूब अच्छे से फेंट लेंगे, जब तक ये एकदम हल्का हो जाए, हल्का ना हो जाए, एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए, तब इसके पकोड़े एकदम बढ़िया से सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तब अपने ये बैटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये बैटर को मैंने अच्छे से वो कर लिया था। अब इसमें थोड़ा गरम तेल डालते हैं, और गरम तेल डाल के फिर अपने इसका फेंट के वो करने से, डालने से बहुत अच्छे एकदम क्रिस्प करारे बनेंगे। तो इसको अब अच्छे से फेंट के फिर डालते हैं। ये देखिए अपना बैटर अच्छे से, मैंने इसको लगभग 4-5 मिनट अच्छे से फेंटा है, तो ये एकदम देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लफी हो गया है, हल्का फुल्का। और अब आप इसको पहले तो अपना तेल हुआ है कि नहीं थोड़ा ये डाल के देखते हैं। देखिए अपना तेल हो गया है, तो अब इसमें अपने ये पकौड़े डालेंगे। आप हाथ से चाहो तो हाथ से डाल सकते हैं, चम्मच से चाहो तो चम्मच से डाल सकते हैं। तो ये मैं अभी चम्मच से डाल रही हूँ। आपको कोफ्ते के जैसा साइज, जैसे साइज चाहिए कोफ्ते की, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो ये फिलहाल मेरे पकोड़े जा रहे हैं तेल के अंदर,
मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें लोहे की कढ़ाई में तलती हूँ, और ये दाल भी इसकी जो कढ़ी बनेगी लोहे की कढ़ाई के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। देखिए मैंने कढ़ाई में जितने आ सकते थे उतने पकौड़े डाल दिए हैं। अब इसको पलटते हैं हल्के हाथ से, पहले देखते हैं भाई इसको, ये क्योंकि बहुत फ्लफी और हल्का है, इसको अच्छे से पहले तरह से थोड़ा तेल में ही करें। अब इसको पलट देते हैं इसी तरह से, सारे पकौड़े पलट देंगे और इसको अब मीडियम आंच पे होने देते हैं। ये एक बैच होते लगभग 4-5 मिनट लगती है, तब बढ़िया से जाके ये क्रिस्प करारे और अंदर से एकदम पक के तैयार होते हैं। ये अपने पकोड़े 4-5 मिनट बाद ये देखिए फ्राई होके रेडी है। अब इसको अपने निकाल लेते हैं और अब इसी तरह से दूसरी बैच डालेंगे। ये देखिए अब कुछ पकोड़े मैं हाथ से डाल के भी दिखाती हूँ। इसको भाई एकदम तेल के पास ले जाके धीरे से रखें ताकि छीके ना उड़े, नहीं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। गरम गरम तेल से करने के चांस ही रहते हैं भाई। ये अपने इसी तरह से सारे पकोड़े डालते जाएंगे, जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने डालेंगे। मेरे सारे पकौड़े डाल के अब तैयार है। अब इसको अपने 1-2 मिनट ऐसे थोड़ा होने देते हैं, फिर इसको टर्न करेंगे। अब अपने सारे ये मूंग और उड़द दाल के दाल बड़े बनके तैयार हैं। तो ये अपने और इसके साथ मैंने फ्राइड चिली रखी है। बाहर बढ़िया सा बादल छाया माहौल है, रिमझिम बारिश हो रही है, और ऐसे में सुबह में गर्मा गर्म नाश्ते में दाल के बड़े दाल वड़ा मिल जाए तो क्या कहना भाई। तो अपने बढ़िया से गर्मा गर्म दाल वड़ा नाश्ते के लिए तैयार है। बस अब देर किस बात की, आप भी बनाएं खाएं खिलाएं। हैव अ नाइस डे। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।